40 साल के बाद में सभी पुरुषों को चंद्र प्रभावटी, स्त्रियों को स्त्री रसायन ये सेवन करना चाहिए। और 40 साल के बाद में एलोवेरा तो सबको पी लेना चाहिए, इससे ये हड्डियों के रोगों से बचाता है, धातु रोगों से बचाता है, पित्त रोगों से बचाता है, बल आरोग्य को बढ़ाता, आयु को भी बढ़ाता है। एलोवेरा एक चम्मच, ये वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल, ये अपने पतंजलि मेगा स्टोर, पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों से आपको मिल जाएगा, ये लेना चाहिए। हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। तो चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत, ये हड्डियों के लिए बहुत अच्छी है। जिनकी भी हड्डियाँ कमज़ोर हैं वो शिलाजीत दो दो बूंद ले सकते हैं, या ये अश्वगंधा या शिलाजीत या अश्वशिला का कैप्सूल, ये भी दो दो कैप्सूल सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं। वातारी चूर्ण एक एक चम्मच सुबह शाम, और पीड़ांतक ऑइंटमेंट इसको लगा लें घुटनों पर तो पहले ही दिन से करीब 25% राहत मिल जाएगी, और करीब सप्ताह 10 दिन लगातार पीड़ांतक ऑइंटमेंट लगाने से जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है। छोटा सा उपाय है। अक्सर 40 साल के बाद में सभी लोगों को ये हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो इसके लिए गिलोय का सेवन मैंने कहा, एलोवेरा, वातारी चूर्ण, शिलाजीत या अश्वशिला, पुरुषों को चंद्र प्रभावटी और स्त्रियों को स्त्री रसायन एक एक गोली लेनी ही चाहिए। उससे करीब 75 साल आपके अच्छे निकल जाएंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा दर्द प्रारंभ होता ही है, तो वो सही रहेगा, असह्य नहीं होगा। आपको घुटनों का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन आदि नहीं कराना पड़ेगा 99%। हम बार बार कहते हैं अनावश्यक दवा, अनावश्यक ऑपरेशंस ये बड़े खतरनाक हैं। हाँ, एक और बड़ी बात कह करके फिर अगले कॉलर को लेंगे। देखिए बड़ी बात है, हम विटामिन डी, विटामिन B12, फिर ओमेगा 3, ओमेगा 6, फिर कैल्शियम, प्रोटीन, अलग अलग मिनरल्स, आयरन, इसके लिए ना अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ खाते रहते हैं। तो आप लोग क्या करें कि पहली बात तो यह है कि जो प्राकृतिक रूप से जो चीज़ें मिलती हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियली विटामिन डी, विटामिन B12, फिर ओमेगा 3, और फिर अलग अलग प्रकार के कैल्शियम, प्रोटीन, ये सब जो है कृत्रिम तरीके से लेने लगते हैं। अपने आहार विहार को ऐसा रखिए कि नेचुरली आपको ये चीज़ें मिलेंगी तो ठीक है, नहीं तो विटामिन डी, B12, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 और अलग अलग प्रकार के कुछ बहुत सूक्ष्म न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनकी कमी हो जाए तो आपके शरीर में कैंसर हो सकता है, आपको हार्ट अटैक और तमाम तरह के लीवर, किडनी फेलियर, न्यूरो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, SNMS, ऑटोमन डिजीज हो सकती है। लेकिन इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो भी ये बीमारियाँ हो जाती हैं, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत आवश्यक होने पर ही कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए, नहीं तो प्राकृतिक चीज़ों से उनकी पूर्ति करनी चाहिए। तो विटामिन डी थोड़ा धूप में रहने से ठीक हो जाता है, विटामिन B12 अंकुरित चीज़ें खाने से अच्छा हो जाता है, ओमेगा 3 आपको हम यहाँ सिबकथ्रोन का जूस देते हैं पतंजलि से, सिबकथ्रोन का जूस पिया करो, उससे आपको पूरा मिल जाता है, और आंवला तो ये सारे आपके पोषक तत्वों की पूर्ति कर देता है। तो खैर बहुत सी बातें जो जो मेरे ध्यान में आता जाता आपसे कहता रहता हूँ।